असम और मिजोरम बॉर्डर पर हिंसक झड़प में 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जान चली गई। ये पूरा मामला क्या है? मामला 1875 से शुरू हुआ जब अंग्रेजों का शासन था। उस समय मिजोरम एक जिला था जिसका नाम था लुसाई हिल्स। अंग्रेजों को लुसाई हिल्स पर चाय की खेती करनी थी, इसलिए उन्हें मिजो लोगों के समर्थन की जरूरत थी। इसलिए 1875 में उन्होंने एक अधिसूचना के तहत एक लाइन खींच दिया बॉर्डर, इसके बीच में लुसाई हिल्स और असम के बीच में, जिसके बाद मिजो लोग खुश हुए और चाय की खेती अंग्रेजों ने खूब किया। उसके बाद 1833 में अंग्रेजों ने एक और लाइन खींच दी, अधिसूचना के तहत एक और बॉर्डर खींच दिया, जिससे कि मिजो दुखी हो गए क्योंकि इस बार लुसाई हिल्स का कुछ हिस्सा असम में भी जा रहा था। असम के लोग 1933 वाली लाइन को मानते हैं और मिजो जो लोग हैं, मिजोरम के जो लोग हैं, वो 1875 वाली लाइन को मानते हैं। इसके बीच में 1300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जिसके बीच में समस्या है। पहले तो ये समस्या साधारण थी, लेकिन 1987 में जब से मिजोरम एक अलग राज्य बन गया तब से ये समस्या बढ़ती गई और आज इतने दूर तक पहुंच गई कि वहां पर फायरिंग भी होने लगी।